क्या डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप एक अच्छी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप अपने मन चाहे बिजनेस को कर सकते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, यानी क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो पता नहीं आपको कितने टाइम से तंग कर रहा है। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, अगर आप वो कर रहे हैं जो आप पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको पहले से मिलता आया है। जीवन में कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मेरा होगा क्या। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जॉब, बिजनेस और फ्रीलांसिंग में डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट हमारी आने वाली कोई भी वीडियो जैसे ही ऑनलाइन जाए आपके मोबाइल पे फटाफट आपको पता लग जाए कि हमने एक नई वीडियो अपडेट की है और आप हमारे कॉन्टेंट को दोबारा सुन पाए। नमस्कार, मैं प्रभाकर, फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग, इस शब्द को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल मतलब इंटरनेट वाली दुनिया जहां सारे लोग बैठे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां जो लोग बैठे हुए हैं, इस दुनिया को कहा जाता है डिजिटल। और मार्केटिंग, आप अच्छे से समझते हैं मार्केटिंग क्या है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो दुनिया बनती है उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को हर उस इंसान तक पहुंचा पा रही है जो ऑनलाइन बैठा हुआ है। पिछले 5 सालों में शॉपिंग करने का तरीका चेंज हो गया है। कोई भी इंसान, आप और मैं खुद भी, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके शॉपिंग नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आज आप सब्जी भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चश्मा ऑनलाइन बिकेगा, और आज चश्मा भी ऑनलाइन बिक रहा है। लेंस कार्ड जैसी वेबसाइट मार्केट में है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, चश्मे को बुक करेंगे और इंडिविजुअल आपके घर पे आएगा, खत्म। बहुत इजी है, लाइफ बड़ी आसान हो गई है। हर वो बिजनेस चल रहा है जो किसी ना किसी कस्टमर की प्रॉब्लम के बेस पे बना हुआ है। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानकारी लेना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब्स हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल है। डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। आज से पहले वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते थे, बड़े बड़े पैम्पलेट्स प्रिंट कराते थे, मैगजीन्स में ऐड देते थे, लेकिन आज जो जनता है ना, आप और मैं खुद, हम सारे ऑनलाइन सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। मुझे कपड़ा भी खरीदना है ना, तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा और चेक करूंगा कि वो कपड़ा कितने का है, मुझे पसंद आता है तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ। तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन, ये सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट को तो आपने बहुत अच्छे से बना लिया, लेकिन उस वेबसाइट को एक यूजर तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स है भी या नहीं, या मिनिमम सैलरी कितनी है, अगर दिमाग में ये क्वेश्चन है ना, तो मैं बता दूं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जॉब्स हैं। आज जो नया बिजनेस है या कोई भी पुराना बिजनेस जो बहुत सालों से चल रहा है, उसको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि ग्राहक पूरे इंटरनेट पर बैठा हुआ है। लोग डोर टू डोर शॉपिंग नहीं करना चाहते, लोग मार्केट में नहीं जाना चाहते। आप अपना एग्जांपल लीजिए ना, सैटरडे संडे को आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए मार्केट गए हुए, चलो जी मार्केट घूम के आते। और पहले का जमाना याद कीजिए कि बेसिक चीजें खरीदने के लिए हमें मार्केट जाना होता था, आज जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जाइए और खरीद लीजिए। तो शौकिया तौर पे हम मार्केट जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर वो बिजनेस जो ऑनलाइन कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसको एक ऐसे इंसान की जरूरत है
जो उसके बिजनेस को टारगेट ऑडियंस को दिखा पाए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी रखते हैं तो शायद आप वो इंडिविजुअल हैं जो उस कंपनी को उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप छोटी से छोटी कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं और वो कंपनी ज़रूर आपको रखेगी क्योंकि उसकी नीड है। अब जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको बेचेगी तभी तो आगे बढ़ पाएगी। तो हो सकता है आप वो इंसान हो जो उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, बशर्ते आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इस जवाब को ढूंढ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मेरी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, तो मैं बता दूं इंडिया में अभी भी लोग जॉब देने से पहले आपसे ये पूछते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अचानक से आपकी 40,000 की जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर आप एक बीटेक हैं, अगर आप एक एमटेक हैं, उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, तो 100% आप 60,000 से 70,000 या फिर उससे भी ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, अगर आप एक 12th पास इंडिविजुअल हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मैं बता दूं स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 के आसपास आराम से इंडिया में मिल जाती है। समझिएगा क्यों मिल जाती है। आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं और कहते हैं सर कल से मैं आपको 10 नए लोग लाके दूंगा आपके बिजनेस के लिए, वो 100% आपको जॉब पे रखेगा क्योंकि उसको पता है ये इंसान मुझे नए ग्राहक लाके देगा, उसको मतलब नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। सो इंडिया में ये ट्रेंड धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है और एक बार आप जॉब स्टार्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कभी मत सोचिए कि आप 12th पास हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे और अचानक से आपको 1,00,000 रुपए मिलने लग जाएंगे पर महीना, नहीं होगा। आपको बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। जैसा मैंने बताया, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो डिजिटल मार्केटिंग करके आप बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप अपना वो सपना पूरा कर पाएं जो आज से पता नहीं कितने सालों से या कितने दिनों से आप रोज देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो बिजनेस आइडिया है वो आप लोगों तक पहुंचा पाएं, तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद 100% आप इसको कर पाएंगे क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उस टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं जिसको आप अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक में बहुत सारे एड्स चलते हैं। आप अपनी आदत देखिए, आप कुछ भी करने के लिए आज गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको कुछ एड्स दिखाई देते हैं, उन एड्स पे आप क्लिक करते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वैसे ही अगर आप एक बिजनेस आइडिया लेके आए हुए हैं तो 100% आप डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद उस बिजनेस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं, उस टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। बस आपको समझने की जरूरत है कि किसको दिखाना है और कब दिखाना है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में शायद है कि क्या मैं घर बैठकर या अपनी जॉब के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख के एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूं क्या, या फिर अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या घर बैठ के अपनी एक ब्लॉगिंग साइट बना सकता हूं क्या, या बिजनेस कर सकता हूं, पैसा कमा सकता हूं। जी हां, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एक टारगेटेड ऑडियंस को आपका आइडिया या आपकी आवाज कैसे सुनाई देगी। आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया आपके एड्स को देख सकती है, पूरी दुनिया आपके कंटेंट को देख सकती है। पॉकेट में अगर पैसा नहीं भी है ना, तो फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। पॉकेट में पैसा है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम जरूर कोशिश करेगी आपके सवालों का जवाब देने की। हमारी सपोर्ट लाइन
24/7 वर्किंग कंडीशन में। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, नंबर डायल करें 844-844-6636। इस नंबर को डायल करने के बाद आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको मेरी आवाज और वीडियो दोबारा दिखती रहे। धन्यवाद।